नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 दिसंबर सोमवार दोपहर 1 बजे राजस्थान की खास खबरें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शकरपुर इलाके में एनकाउंटर के दौरान 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों में से 2 पंजाब और 3 कश्मीर के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि 5 में से 2 आतंकी पंजाब के हैं। यह सभी तरन तारण के शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या में शामिल थे। बलविंदर सिंह ने पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। उनकी हत्या पिछले दिनों पंजाब के तरन तारण जिले में की गई थी। मामले में पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले गुरजीत सिंह और सुखदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के रहने वाले अयूब पठान, शब्बीर और रियाज को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। जोधपुर जिले के महामंदिर थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि पति ने पत्नी की कैंची घोंपकर हत्या कर दी। फिलहाल हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पति को हिरासत में लिया है, पुलिस से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। अजमेर जिले के बयावर में एक शादी समारोह के दौरान गहनों से भरा बैग चोरी हो गया। चोरी करने वाला संदिग्ध युवक सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। चोरी हुए गहनों की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि बयावर के रानी बाग रिसोर्ट के शाहपुरा मोहल्ला बयावर निवासी दिलीप सोनी की पुत्री की शादी थी और बारात कोलकाता के राम प्रताप अग्रोहिया के यहाँ से आई थी। दूल्हा पक्ष के लोगों ने दुल्हन के लिए लाए गए गहनों को दिखाया और बाद में इन गहनों को भरकर बैग में रख दिया। बैग में 3 किलो सोने के जेवर, पन्ना, नवरत्न और डायमंड ज्वेलरी थे। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में करंट लगने से हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 जने गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि हादसा हेडपंप की मरम्मत करते समय हुआ। हाई टेंशन लाइन में से पाइप छूने से हुआ। हादसे में 30 वर्षीय युवक बनिया की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जबकि घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जयपुर जिले के कालवर थाना क्षेत्र में मंगलम सिटी में आधी रात फाइनेंसर का अपहरण कर ले जाने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार 3 युवक अपने आप को क्राइम ब्रांच से बताकर बिल्डिंग में घुसे और एक फ्लैट से युवक का अपहरण कर लिया। यह तीनों युवक कार में सवार होकर आए थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि देर रात बदमाश फाइनेंसर को सड़क पर छोड़ भागे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर जिले के मालवीय नगर थाना क्षेत्र में एक युवक विकास ने खुद के पिता से रुपए लेने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रच ली। इतना ही नहीं, बेटे ने खुद के हाथ पैर बंधवा कर 2 दोस्तों से पिता को वीडियो कॉल करवाया और खुद से मारपीट करते हुए दृश्य दिखाकर 2,50,000 रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती देने पर बेटे को छोड़ने की बात कही, नहीं देने पर अंजाम भुगतने को तैयार रहने के लिए धमकी दी। पुलिस ने तकनीकी आधार पर युवक और उसके दोनों दोस्तों को पकड़कर पूछताछ की तो सारा मामला खुल गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक विकास सिंह, यादराम गुज्जर तथा लुकेंद्र सिंह राठौर केकड़ी अजमेर के रहने वाले हैं। इस संबंध में केकड़ी के सरसरी गेट निवासी प्रेम सिंह ने बेटे विकास सिंह के अपहरण होने की सूचना दी थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर जिले के गुडा मलानी थाना क्षेत्र के में मदरसे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर बोलेरो ड्राइवर को नींद की छपकी आने से गाड़ी असंतुलित होकर सड़क से दूर जाकर पलटी खा गई। हादसे में बोलेरो गाड़ी ड्राइवर को मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि 3 दोस्त एक बोलेरो गाड़ी में सवार होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर जैसलमेर से पोखरण की तरफ जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार पलट गई। हादसे में दौलाराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रकाश और मानाराम गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। बीकानेर जिले के सदर थाना में एक व्यक्ति ने सस्ते काजू दिलवाने का लालच देकर करीब 1.5 लाख रुपए ठगने के आरोप में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि नापसर निवासी रामदयाल ने रिपोर्ट दी है कि उसकी पुलिस लाइन चौराहे के पास उनकी मिठाई की दुकान है। दुकान पर उनका जानकार जगदीश बिश्नोई 3 साल से सोन पापड़ी का सप्लाई कर रहा है। कुछ दिनों पहले आरोपी ने दुकान पर आकर उससे सस्ते काजू दिलवाने का झांसा दिया और 1,39,000 रुपए ले गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
अजमेर जिले के आदर्श नगर पुलिस थाने से कुछ दूरी पर बीती रात जयपुर की ओर जा रहे ट्रेलर ने सड़क पार कर रही कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार दो युवकों की मौत हो गई, वहीं ट्रेलर चालक चोटग्रस्त हुआ जिसे पुलिस ने JLN अस्पताल में भर्ती करवाया है। दोनों मृतक माकड़वाली गाँव के रहने वाले थे और दोस्त थे। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान मुन्ना और महेंद्र के रूप में हुई है। वहीं ट्रेलर चालक भी घायल हो गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। टोंक जिले में एक युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाया और अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि परिवारजनों से पूछताछ में सामने आया कि युवती ने पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या की है। पुलिस ने शव को सआदत अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जाँच कर रही है। अलवर शहर के मनु मार्ग स्थित एक मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे दिया व्यापार के अड्डे का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने स्पा सेंटर में कार्रवाई करते हुए पीटा एक्ट में एक युवती सहित 3 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि शहर के मनु मार्ग स्थित कैपिटल गैलेरिया मॉल में चल रहे फैमिली स्पा सेंटर में अनैतिक कार्यों की पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने मौके से स्पा सेंटर के मैनेजर शशिकांत शर्मा, एक ग्राहक दिनेश कुमार तथा मणिपुर निवासी एक युवती को पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।